मारवाड़ी मिड्डी आप देख रहे हैं। आज है 17 सितंबर 2023 रविवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार भाद्रपद माह की द्वितीया तिथि है। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। निपाह वायरस के आउटब्रेक से केरल में हालात खराब होते जा रहे हैं। लगातार सामने आ रहे मामलों की वजह से राज्य में कंटेनमेंट जोन बनाने पड़ रहे हैं। बड़ी खबर यह है, केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस का 6ठा केस मिलने के बाद सभी स्कूल, कॉलेज और ट्यूशन सेंटर्स को 24 सितंबर तक बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। यहां 14 सितंबर से ही शैक्षणिक संस्थाएं बंद है। दूसरी तरफ निपाह वायरस से संक्रमितों के कंटेनमेंट में आने वाले लोगों की संख्या 1008 हो गई है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। कोझिकोड में निपाह वायरस से 30 अगस्त को पहली और 11 सितंबर को दूसरी मौत हुई थी। चिंता की बात यह है, सबसे ज्यादा खतरा फिलहाल निपाह वायरस का केरल में है, लेकिन यहां दूसरे राज्यों से भी लोग आते जाते रहते हैं। ऐसे में दूसरे राज्यों की भी चिंताएं बढ़ गई है। ऐसे में माना जा रहा है आने वाले दिनों में कोई सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देशवासियों के लिए एक और बड़ी खबर है। वंदे भारत ट्रेन में अगले साल मार्च तक स्लीपर कोच लगाने की तैयारी है। देश में अभी चेयर कार सुविधा वाली वंदे भारत ही चल रही है। रेलवे की योजना अब राजधानी एक्सप्रेस के रूट पर भी वंदे भारत ट्रेन चलाने की है। ऐसे में यात्रियों को रात में आराम देने के लिए स्लीपर कोच देना जरूरी है। बड़ी खबर यह है, इसी फाइनेंशियल ईयर के दौरान वंदे का स्लीपर वर्जन लॉन्च किया जाएगा। साथ ही में वंदे मेट्रो भी इसी फाइनेंशियल ईयर में लॉन्च होगी। दरअसल अभी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को बनाया जा रहा है और इसे मार्च 2024 में लॉन्च किया जाएगा। और इससे भी बड़ी खबर यह है, इसके साथ ही वंदे मेट्रो का भी प्रोडक्शन चल रहा है। 12 कोच के इस ट्रेन को छोटे रूटों पर चलाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान से बड़ी खबर है। राजस्थान में अपराध और चोरियों की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। हालात यह है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री गहलोत का परिवार भी सुरक्षित नहीं है। बड़ी खबर यह है, देर रात राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के भाई के ऑफिस तक के ताले तोड़ दिए गए। सीएम गहलोत के भाई का नाम अग्रसेन गहलोत है और वह खाद बीज के बड़े कारोबारी है। इस घटना की सूचना मिलते ही पूरे जिले का पुलिस अमला मौके पर आ गया और जांच पड़ताल शुरू कर दी। बताया जा रहा है, इस ऑफिस में खाद बीज का ऑर्डर लेने देने और अन्य काम होता है। यहीं उनका स्टाफ भी बैठता है। इसी दुकान का शटर देर रात तोड़ दिया गया। उसके बाद ऑफिस के दरवाजे का लॉक भी तोड़ दिया गया। हालांकि चोरों को ऑफिस में दरवाजे के पुलिंदे और खाद बीज के अलावा ज्यादा कुछ नहीं मिला। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस ने बताया कि चोरों ने मेन गेट का शटर मोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन अंदर एक और कांच का गेट लगा हुआ था। उसी गेट पर लॉक होने की वजह से चोर अंदर नहीं घुस सके। पुलिस ने बताया कि चोरी का प्रयास करने वालों की तलाश की जा रही है। दरअसल सीएम गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत जोधपुर में ही अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनकी उदय मंदिर थाना इलाके स्थित पावटा रोड पर खाद बीज की दुकान है। इसी दुकान का शटर देर रात को तोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह ने RLP ज्वाइन कर ली है। इसके बाद सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा, अनुसूचित जाति वर्ग की होनहार प्रतिभा का पार्टी परिवार में शामिल होना गौरव का विषय है। बड़ी खबर यह है, अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह ने हनुमान बेनीवाल की पार्टी RLP ज्वाइन कर ली है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले प्रदेश के मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों में अगले 48 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं देखिए बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के इंदौर व उज्जैन सहित आसपास के क्षेत्रों में बारिश के चलते जवाहर सागर बांध का जल स्तर 1301.60 फीट पहुँच गया है। दरअसल पहले बारिश नहीं होने से किसानों की फसलें खराब हो गई, तो अब फसलें पक कर किसानों के जैसे ही हाथ में आने वाली है, तो लगातार बारिश से किसानों की चिंताएं बढ़ती जा रही है। और मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कोटा व उदयपुर संभाग में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और पश्चिमी राजस्थान में भी अगले 24 घंटों के दौरान कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। अच्छा देखिए, जाते जाते मानसून ने हालात ये कर दिए हैं कि बांसवाड़ा और उदयपुर संभाग के सबसे बड़े माही डैम के 16 गेट खोलने पड़े। सीजन में पहली बार ये गेट खोले गए हैं। और अगले 24 घंटों के दौरान भी पश्चिमी राजस्थान से लेकर पूर्वी राजस्थान में बारिश का अलर्ट जारी
जारी कर दिया गया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, देश की एक और बड़ी खबर, आज पीएम नरेंद्र मोदी 73 साल के हो जाएंगे। 17 सितंबर 1950 आज ही के दिन देश के 14वें प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म गुजरात के वडनगर में हुआ था। बड़ी खबर यह है, 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती और अपने जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कामगारों के लिए विशेष और खास स्कीम विश्वकर्मा योजना को आज लॉन्च करेंगे। इस योजना का उद्देश्य हाथ और औजारों से काम करने वाले कारीगरों शिल्पकारों के पारंपरिक कौशल को बढ़ावा देना है। इस योजना से 18 व्यवसायों से जुड़े लोगों को सीधा फायदा होगा, जैसे लोहार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, नाई, धोबी, दर्जी, मछली का जाल बनाने वाले और भी कई लोगों के लिए इस योजना की आज शुरुआत होगी। वहीं बड़ी खबर आपको दे दूं, आज 17 सितंबर को अपने जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी देश को एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। पीएम मोदी देश को यशो भूमि तोहफे में देंगे। यह एशिया का सबसे बड़ा इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर है। दिल्ली के द्वारका में इस भव्य इमारत का पहला फेज बनकर तैयार हो चुका है। इसके अलावा भी पीएम मोदी आज विश्वकर्मा जयंती के मौके पर कई बड़े ऐलान करने वाले हैं। इस मौके पर पीएम मोदी आज 5 बड़े ऐलान करेंगे। पीएम मोदी क्या बड़े ऐलान करते हैं, इसके बारे में मैं अगले वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आपको विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।